जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो प्रेडिक्शन है प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। 30 नवंबर 2017 राशि चक्र की प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है इसके बारे में। सबसे पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। आज का पंचांग कुछ इस प्रकार है, विक्रम संवत 2074 मार्क्सिस्ट महीना की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, मार्क्सिस्ट महीने की शुक्ल पक्ष की 11 तिथि है। योग व्यतिपात है, करण भाव है। चंद्र जो है वो आज शाम को 4:13 तक मीन राशि में है और रेवती नक्षत्र में है और शाम को 4:13 के बाद नक्षत्र अश्विनी चालू होता है और चंद्र राशि जो है वो मेष बनती है। तो आज का जो दिन है प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहेगा जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। मेष राशि के लिए आज का जो दिन है वो राशि से 12वें स्थान के आपके चंद्र है। 12वें चंद्र आपके लिए सामान्यतः शुभ नहीं माने जाते हैं, खर्च आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन शाम को 4:13 के बाद जो चंद्र है वो आपकी राशि के अंदर आते हैं तो जो आपके लिए शुभ बनते हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए चंद्र आज 12वें स्थान के अंदर है शाम को 4:13 के बाद, तो खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। हालांकि 12वें स्थान में चंद्र जब चलेंगे मेष राशि में तो ये आपको एब्रॉड रिलेशन या एब्रॉड कनेक्शन से बेनिफिट करवा सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए आज चंद्र 10वां एवं 11वां चंद्र है। बिजनेस में, करियर में तरक्की प्रोग्रेस के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। चौथी राशि जो कर्क राशि है इनको भी आज का दिन बहुत शुभ है। भाग्य स्थान के एवं कर्म स्थान के चंद्र है आपके, तो आपके लिए भी दिन बहुत शुभ है। छोटी छोटी यात्राओं से, ट्रैवलिंग से बेनिफिट होने की प्रबल संभावना है। सिंह राशि के लिए चंद्र आज 8वें स्थान से निकलकर चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर, तो दिन आपके लिए शुभ है। भाग्य वृद्धि के लिए महत्व का समय स्टार्ट होता है। यात्रा प्रवास से आपको बेनिफिट मिल सकता है, नए साहस से आपको लाभ मिल सकता है। कन्या राशि के लिए चंद्र आज 7वां एवं 8वां स्थान का चंद्र है, तो आपको ट्रैवलिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, व्हीकल ड्राइव में केयर करना पड़ेगा। नदी, समंदर, तालाब किनारे आप घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में विशेष केयर करें। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि को चंद्र जो है वो आज 6वां एवं 7वां स्थान का चंद्र है, तो दिन आपके लिए भी बहुत शुभ है। सप्तम स्थान के चंद्र हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी और मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि के लिए चंद्र जो है वो 5म एवं 6ठे स्थान के चंद्र हैं, दिन आपके लिए भी बहुत शुभ है। मित्रों से लाभ रहेगा, संतानों का प्रोग्रेस होता है। ये चंद्र जो है वो आपको एब्रॉड रिलेशन एवं एब्रॉड कनेक्शन से भी बेनिफिट करवा सकते हैं। धनु राशि के लिए चंद्र आज 4था एवं 5वें स्थान का चंद्र है, तो आपके लिए दिन मध्यम फलदायी रहेगा। हालांकि शाम को 4:13 के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। मकर राशि के लिए आज पराक्रम का चंद्र है, लेकिन शाम को 4:13 के बाद चंद्र चलेंगे चतुर्थ भाव के अंदर, तो जो आपके लिए मध्यम फलदायी रहेंगे। शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग का कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा। रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा अपने माता एवं पिता के साथ, और यदि आप मैरिड हैं तो अपने इन लॉज के साथ। कुंभ राशि के लिए चंद्र आज 2रा एवं 3रा चंद्र है, वाणी से धन प्राप्ति होती है, आप नए साहस करेंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा। और राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि को आज का दिन बहुत शुभ है, आपके लिए वाणी से धन प्राप्ति होती है,
और कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि होती है। आज का जो शाम को 4:13 के बाद चंद्र नक्षत्र अश्विनी है, जिसका लकी कलर रहेगा डार्क ब्राउन कॉफ़ी कलर। लकी कलर रहेगा आज का डार्क ब्राउन। और घर से आपको वाइट तिल गुड़ खा के निकलना चाहिए। गणेश जी, हनुमान जी, आपके कुलदेवी माता जी आपको हर कार्य में सहाय करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी ये सही प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।